जी तुम बहुत अच्छा डिजर्व करते थे। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हाल चाल हैं आप लोगों के। दोस्तों आज हम कुछ स्पेशल ब्लॉग बनाने वाले हैं जिसमें आपको एक नहीं तीन चार लोगों के बारे में जानकारी देने वाले हैं। सबसे पहले बताते हैं सबा इब्राहिम के बारे में। सबा इब्राहिम को जैसा कि आप लोग जानते हैं शादी करके बढ़िया से जिंदगी गुजार रहे हैं और सनी के साथ में खुश। हमारी जो ऑडियंस है वो किस किस को देखती है, सबसे पहले तो बता दूं, शुएब इब्राहिम का ब्लॉग देखती है, दीपिका कक्कड़ का देखती है, सबा इब्राहिम का देखती है, संभावना सेठ का भी देखती है और सितारा यासीन का भी देखती है। इस तरह से काफ़ी ज़्यादा लोगों के ब्लॉग देखती है, लेकिन दोस्तों हमेशा जो देखती है वो कुछ अलग होता है और जो हम दिखाने वाले हैं आज कुछ वो स्पेशल है। देखो हमेशा जो है ना, ये जो ब्लॉगर होते हैं बड़े, ये हमेशा हर चीज़ अच्छे से अच्छी दिखाने की कोशिश करते हैं। कहीं मॉल में जाएंगे, कहीं किसी की तारीफ करेंगे कभी, लेकिन कभी कभी ना इन लोगों का भी गुस्सा फूटता है। अभी देखो सबसे पहले आपको दिखाते हैं थोड़ा सा सबा इब्राहिम के बारे में। कितना कुछ किया है सबा के लिए, कितना कुछ बर्दाश्त किया है, मेरी आंखों में आंसू नहीं आने देते हो तुम। दुनिया मुझे रुला भी देती है ना तो तब तुम मुझे चुप कराते हो। मुझे तुम पे नाज है, मैं तुम्हें दिल से मोहब्बत करती हूँ और दिल से दुआ देती हूँ। आगे कुछ भी हो मुझे नहीं पता, लेकिन तुम सच में बहुत अच्छे हो और इंशाल्लाह एक दिन तुम्हारी सारी अच्छाई, तुम्हारी सारी चीजें दुनिया को भी दिखेगी। दोस्तों अब बताते हैं हम संभावना सेठ के बारे में। देखिए संभावना सेठ और उनके जो हस्बैंड है वो उनके साथ में मतलब बहुत ही बढ़िया से व्लॉगिंग करती हैं, कोई चिड़चिड़ापन नहीं, हंसी मजाक हर वक्त। लेकिन उनकी जो काम वाली बाई है वो फिलहाल छुट्टी पे चली गई है और काम काज जो करना पड़ रहा है संभावना सेठ और उनके हस्बैंड को करना पड़ रहा है, अविनाश को, है ना। तो दोस्तों अभी जो है कैमरे के में जो दिखाते हैं वो सुबह 6 बजे कॉफी बना कर लेकर आते हैं, तो संभावना सेठ ने कुछ उनकी जो पॉल है इस तरीके से खोली और संभावना सेठ की जो अविनाश ने पॉल इस तरीके से खोली। एक नंबर के झूठे हो तुम, मक्कार किस्म का आदमी है जिससे मेरी शादी हुई है। मैं झूठा भी हूँ मक्कार भी हूँ, लेकिन मुझे अपने अंगूठे के नीचे दबाने के लिए किया तुमने। भैया मैं तो दबाने के लिए पैदा हुई हूँ, मेरा तो नाम खराब ही करो। मैं तो ऐसी हूँ, संभावना तो ऐसी है, संभावना तो यही करती है, संभावना तो है ही ऐसी। अब कल से पहले तुम नहाओगी और जब तुम वाइपर लगा के निकलोगी तब मैं बोलूंगा ये कैसा वाइपर मारा है। नाटक कर लो, लोगों के सामने लोग खुश होते हैं ये सुन के कि अविनाश सर कितने अच्छे हैं, उनको कितनी बुरी औरत मिली है, ये तो खराब औरत है। अविनाश जी तो बहुत अच्छा डिजर्व करते थे, ये तो गंदी लड़की मिली है, औरत है लड़की भी नहीं है, औरत से भी कुछ ऊपर होगा तो दादी अम्मा है, क्यों शादी करी अविनाश जी आपने, ये सारी बातें होंगी। जिस जिसको खुश होना है हो लो, ये आदमी कितना दूर था ये आपको पता नहीं है। ये जो मासूमियत का नाटक करके जो मुखौटा पहन के रखा है, इसका मुखौटा एक बार मैं ऐसे निकालूंगी सबके सामने। दो कौड़ी का काम नहीं करता ये आदमी जब से गई का पिता। रोज सुबह उठ के 6 बजे कॉफी कौन बनाता है? वही दिखाती हूँ दोस्तों। देखो दोस्तों, गुड मॉर्निंग दोस्तों, अपनी बीवी के लिए मैं कॉफी बना रहा हूँ। पानी डालो बेबी, बस बेबी वहीं से खराब होगी। देखो आदमी कॉफी बना रहा है, अरे और क्या कर रहा है, इसको चाय तक नहीं आती बनानी, इसीलिए कॉफी बना रहा है। और कॉफी बनाने के बाद वही आपको दिखता है, उसके बाद पूरी समेटा समाटी, ये धुलना भो फुलना भाई, सबके पीछे लगना, खबरदार आवाज आई तेरी, जाओ ये सब नहीं करती हूँ, नहीं अंदर है वो, ये सब मैं करती हूँ जो किसी को नहीं दिखाई देता, क्योंकि उस समय व्लॉगिंग नहीं कर रही होती, क्योंकि मैं काम कर रही होती हूँ। दोस्तों आपको पता है या नहीं पता मैं बताऊँ आपको, व्लॉगिंग की शुरुआत आखिर कैसे हुई, कैसे हुई, लोग क्यों व्लॉगिंग देखते हैं, क्योंकि देखा होगा आपने जब व्लॉगिंग वगैरह को हटा दीजिए साइड से, तो क्या था कि एक दूसरे की जिंदगी के बारे में जानने की ना बहुत लालसा रखते हैं इंसान, किसी के घर में क्या अच्छा हो रहा है, ताकना झांकना, ये सारी चीजें अगर किसी के मुंह से सुनने को मिले तो भी, तो इसी को मद्देनजर रखते हुए जो है व्लॉगिंग की शुरुआत हुई। तो उसमें क्या है, हर इंसान अपने घर का डेली रूटीन दिखाना शुरू कर देता है, हमें दूसरों के घर में जो झांकने वाले सीन था वो अच्छा लगना शुरू हो जाता है, तो इसी वजह से जो है ये व्लॉगिंग की शुरुआत। इस बात को हमने सुना था कि यूट्यूब पर काफी ज्यादा पैसा है, लेकिन एक इंटरव्यू में अज्जू 0008 का जो इंटरव्यू लिया गया, तो उनसे पूछा कि उनकी मंथली इनकम कितनी है, तो उन्होंने बताया कि अगर टाटा नैनो की रकम 2 लाख रुपए है एक गाड़ी की, तो मैं महीने में 10 से 12 गाड़ी आराम से खरीद सकता हूँ। की नैनो की कि कितने नैनो खरीद सकता है भाई हमारा? भाई नैनो कितनी गाड़ी है? आई थिंक 2-3 लाख रुपए की। नहीं यार 1 लाख की जरूरी थी, टक की आई, तो फिर बता दो ना अंदाजन। मैं आपको बता दूं भाई, वो गाड़ी मान लो आप 2 लाख की है, मान लो 2 लाख की, मान लो तो कितनी नैनो अफोर्ड कर लेगा हमारा भाई? 10-11। क्या बात है, बहुत बढ़िया। अब लोग डिपेंड करता है कि वो हर मंथ की कभी कम भी हो जाएंगी नैनो और कभी बढ़ भी जाएंगी नैनो। तो आईफोन 12 या 11 खरीदना लोगों का सपना है जो कि बहुत ही ज्यादा गरीब लोग हैं। तो दोस्तों अभी देखो आप सौरभ जोशी के ब्लॉग में पीयूष जो है ना टब में डाल देता है आईफोन 11 और उनकी जो मम्मी है ना फेंक के मारती है। देखिए मतलब कोई औकात ही नहीं है भाई, इतना पैसा है कि कुछ भी डाल दिया। तमीज देख ले इसको, आता है देखिए। अच्छा
देखिए यहाँ से पानी चलेगा, ले मैं ले चल। तो जिस काम को हम रोजाना 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 करते रहते हैं ना, तो उससे थोड़ी सी ना बोरियत हो जाती है। जब बोरियत होती है तो आदमी क्या करता है, सितारे जैसन को देखना, उन्होंने जो है ना अपनी भवे उड़ा ली थी। बात करें सबा इब्राहिम के बारे में, सबा इब्राहिम जो है ना अपने ब्लॉग में बहुत ज्यादा दिखाती हैं। जब वो गाड़ी से घूमने जाती है तो अमरूद बहुत खरीदती हैं। अमरूद दोस्तों इस टाइम ना बहुत ही ज्यादा सस्ता भी है, 30 रुपए का 1 किलो और 50 रुपए का 2 किलो। दोस्तों आप लोगों के यहाँ क्या रेट है प्लीज कमेंट्स करके जरूर बताना, और ये वीडियो आपको कैसी लगी ओके जरूर बताने का।